तो इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वो क्या है, कैसे वर्क करता है, आप उसको कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए उसको करने से पहले। सो ही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल दी इंडियन में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग होता क्या है। तो इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग बेसिकली एक बिजनेस है जिसमें आप एक इंस्टाग्राम पेज को खरीदते हो, उसको थोड़ा सा ग्रो करते हो और उसको बेच देते हो। अब मैं आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपने एक इंस्टाग्राम का पेज खरीदा जिसपे 5000 फॉलोअर्स थे और उस पर ब्यूटी से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट होता था, तो उसको आपने खरीदा 3000 रुपये में, मतलब 5000 फॉलोअर्स वाला पेज आपने 3000 रुपये में खरीदा जिसपे इंगेजमेंट अच्छा था। उसके बाद आपने उस पर कुछ पोस्ट किए, लगभग एक महीने तक आपने उस पर पोस्ट किए और उस पर 5000 से 10000 फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद आपने उस पेज को 6000 रुपये में सेल कर दिया, तो आपने जो 3000 से 6000 का वो बनाया प्राइस, उसके बीच में जो 3000 का प्रॉफिट निकला वो आपका हुआ। तो बेसिकली इसी बिजनेस को हम लोग इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग कहते हैं। इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग का बिजनेस दो तरीके से होता है। सबसे पहला होता है जो स्क्रैच होता है। स्क्रैच से क्या होता है, मतलब हम लोगों ने एक पेज बनाया, मतलब एकदम नया कम्प्लीटली न्यू पेज बनाया जिसपे 0 फॉलोअर्स थे, उसको हमने ग्रो किया, ग्रो करते 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 5-6 हज़ार फॉलोअर्स तक हम गए। उसके बाद हमने उस पेज को सेल कर दिया और जो पैसा मिला उससे हमने दो पेज खरीद लिए या फिर कोई एक बड़ा पेज खरीद लिया जिसमें ज़्यादा फॉलोअर्स थे या फिर ज़्यादा अच्छा एंगेजमेंट था, तो आपने वो पेज खरीद लिया और उस पेज को ग्रो करके सेल कर दिया, फिर आगे दूसरा पेज खरीद लिया, तीसरा पेज खरीद लिया, ऐसे करते करते आप अपना बिजनेस बढ़ा दिए। तो ये तो हो गया कि हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया। और हम लोग का जो दूसरा टाइप होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने इस बिजनेस में आने के लिए 6-7 हज़ार रुपये लगाए, एक पेज खरीदा, उसको ग्रो किया और ग्रो करने के बाद बेच दिया। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला होता है वो थोड़ा सा एक शॉर्टकट होता है, मतलब आपको एक जीरो से नहीं शुरू करना पड़ता है, आप एक बीच में आके शुरू करके ऊपर चले जाते हो। और जो स्क्रैच होता है वो आपको एकदम जीरो से शुरू करके अपना बिजनेस ग्रो करना पड़ता है। तो ये दो तरीके होते हैं इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग के। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। तो हमारा जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कि एक अच्छा और फास्ट तरीका है पैसे अर्न करने का ऑनलाइन। दूसरा एडवांटेज हम लोग का ये है कि ये इजी टू वर्क है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेसिकली पेज खरीद के उस पर वैसे ही कंटेंट पोस्ट करके उसको ग्रो करके और सेल कर देना है, मतलब ये बहुत ही ईजी टू वर्क भी है। जो हम लोग का तीसरा एडवांटेज है वो ये है कि आप इस पर घर से बैठ के काम कर सकते हो, मतलब आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं ऑफिस नहीं आना है, कहीं पे जाना नहीं है, आप लोग डायरेक्टली घर से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हो। आपको बस रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालते रहना, अपने पेज पे अपडेट रहना और उसको ग्रो करके सेल कर देना। ये ईजी टू वर्क तो है ही है, साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम भी है। अब हम लोग का चौथा एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोग को काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं बिजनेस के लिए, मतलब आपको काफ़ी डिफरेंट नीचेज के पेज मिल जाते हैं, काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ के पेज मिल जाते हैं, कम फॉलोअर्स वाले, ज़्यादा फॉलोअर्स वाले, तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं जिसमें आप चूज़ करके अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर सकते हो। तो हमारा जो पांचवा एडवांटेज है और ये काफ़ी यूज़फुल होता है बहुत सारे केसेस में, इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग मुझसे कोई बिजनेस करो पेज फ्लिपिंग का, तो आप ऐसा होगा ही कि आप किसी ना किसी ऐसे बंदे से मिली जाओगे जो सेम चीज़ करता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी सोशलाइजेशन बढ़ेगी, आप नए नए फ्रेंड्स बनाओगे जो सेम चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो आपको कई ढेर सारी टिप्स भी मिलेंगी उनसे, आप भी उनको बहुत ढेर सारी टिप्स दोगे, इससे क्या होगा आपका सोशलाइजेशन बढ़ेगा जिससे कि आपके नए नए फ्रेंड्स बनेंगे और आपको पेज खरीदने बेचने में भी आसानी होगी क्योंकि वो आपको पेज सजेस्ट करेंगे और आप उसको खरीद सकते। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसके मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ। तो इसमें जो आपके साथ फ्रॉड होने का चांस होता है वो बहुत ही हाई होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई पेज पसंद किया, आपने उसको खरीदने के लिए मैसेज किया, ओनर ने आपको कॉन्टैक्ट भी किया, वो बेचने के लिए तैयार भी हो गया, आपने उसको पैसे भेज दिए और उसने आपको पेज नहीं दिया, तो ये आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो इससे आपको बहुत ही सतर्क रहना है। अब जो दूसरा डिसएडवांटेज है और ये ज़्यादातर केस में हो जाता है कि आपको एक डेड पेज मिल जाता है, डेड पेज इन द सेंस कि वो पेज शैडो बैन होता है, उस पर इंगेजमेंट नहीं होता है, बहुत ही कम इंगेजमेंट होता है, या फिर उस पर फेक इंगेजमेंट लिया जाता है, मतलब उस पर फॉलोअर्स भी फेक होते हैं और लाइक्स भी फेक होते हैं, उसको केवल इसलिए किया जाता है, उसका मोटिव यही होता है कि उसको एक रियल पेज दिखा के उसको सेल कर देना, लेकिन इसमें आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि आप जब उस पेज को खरीद लोगे और खरीदने के बाद जब आप उस पर पोस्ट करोगे तो आपको उस पर एंगेजमेंट नहीं मिलेगी जिससे आपका पेज ग्रो ही नहीं होगा बल्कि और डाउन चला जाएगा और आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। अब जो यहाँ पे थर्ड डिसएडवांटेज है वो ये है कि मान लीजिए आपने कोई पेज खरीदा, वो एकदम नॉर्मल पेज है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, सब एकदम क्लियर है, आपने उस पेज को खरीदा
और आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आपको उसे पोस्ट क्या करना है, आपने कुछ ऐसा वैसा पोस्ट कर दिया और वो पोस्ट इंस्टाग्राम के गाइडलाइंस के खिलाफ हो गई और आपकी पोस्ट रिमूव हो गई, तो जैसे ही आपकी पोस्ट रिमूव होगी आपका एंगेजमेंट यहाँ से सीधे ऐसे चला जाएगा, मतलब आपका पेज कंप्लीटली डेड हो जाएगा। अब ये जो शैडो बैन होता है इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्या होता है, पर आप लोग ये जानो कि शैडो बैन एक बेसिकली बैन होता है जिससे आपके एंगेजमेंट को एकदम ड्रॉप हो जाता है। ऐसे आपका एंगेजमेंट अगर यहाँ पे है तो आपका एंगेजमेंट ऐसे यहाँ पे सीधे नीचे चला जाता है, मतलब आपकी पेज की एंगेजमेंट चली जाती है। एंगेजमेंट क्या होता है मैं आपको बता दूं, एंगेजमेंट का मतलब होता है फॉलो टू लाइक टू कमेंट रेशियो, मतलब आपको जितने लोग फॉलो करते हैं उसमें से आपको कितने लोग पोस्ट को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग एंगेजमेंट बोलते हैं। तो ये वाला रिस्क भी इसमें हाई रहता है। और मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा जो आपको लेने चाहिए अगर आप ये बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो या फिर अगर आप ये बिजनेस कर भी रहे हो तो आपको ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, तभी आप इस नीच में अच्छे से काम कर सकते हो। तो जो सबसे पहला प्रिकॉशन है वो ये है कि किसी भी पेज को खरीदने से पहले उसका इंगेजमेंट जरूर चेक करिए, मतलब उसका जो लाइक टू कमेंट रेशियो है उसको सारी चीज़ें जरूर चेक करिए। अगर आप उसको चेक करे बिना खरीद लेंगे तो आप बाद में बहुत पछताएंगे अगर वो डेड पेज निकलेगा तो। अब हमारा सेकंड प्रिकॉशन, तो जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आप अगर कोई पेज खरीद रहे हो तो उसका इंगेजमेंट चेक कीजिए, लेकिन अगर वो पेज बहुत ही बड़ा है और अब तो इंस्टाग्राम का एक नया एल्गोरिथम भी आया जिसमें वो लाइक्स नहीं दिखाता कि कितने लाइक्स हैं, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत ढेर सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जैसे सोशल ब्लेड, इसमें आप जाके पेज का नाम सर्च कर सकते हैं, अगर वो बिजनेस अकाउंट होगा तो उसमें आपको उसका इंगेजमेंट दिखाएगा। उसको जरूर ध्यान रखिएगा कि उस पेज का कितना इंगेजमेंट है और वो पेज कितना अच्छा है, वो बेनिफिशियल है आपके लिए खरीदने के लिए कि नहीं है, तो इस सारी चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। जो हमारा थर्ड प्रिकॉशन है वो ये है कि किसी भी पेज को खरीदते समय जब आप ओनर को पेमेंट कर रहे हो तो पेटीएम फोनपे इससे सबसे पेमेंट मत करना, क्योंकि अगर वो आपके साथ फ्रॉड कर देगा भाई तो आपके पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि पेटीएम वाले के पास आप कॉल करोगे तो वो आपको पैसे वापस नहीं दिलाएंगे। लेकिन अगर आप पेपल से पेमेंट करते हो और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो पेपल वाले आपको पैसा वापस दिलाते हैं, तो जब भी आप पेमेंट करो किसी भी पेज को खरीदने के लिए तो हमेशा पेपाल का यूज़ करो, अगर नहीं है तो अकाउंट बनाओ उसके बाद यूज़ करो। अब जो हमारा फोर्थ प्रिकॉशन है वो ये है कि जब आप किसी पेज को खरीदो तो उस पेज पे जाओ, उसके कमेंट्स में जाओ और कमेंट्स को पढ़ो कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं उस पेज पे। पहले पोस्ट को देखो कि वो कौन सा पोस्ट है और उसके बाद कमेंट को देखो कि लोग कमेंट क्या कर रहे हैं उस पोस्ट पे, मतलब कोई स्पैमी कमेंट तो नहीं है कि सब लोग इमोजी डाल रहे हैं या फिर सब लोग कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो सारे बॉट्स हैं, सारे फेक अकाउंट है और वो पेज कंप्लीटली डेड है, केवल आपको शो करने के लिए वहाँ पे फेक कमेंट्स और फेक लाइक्स लाए गए हैं, तो आप इस चीज़ को जरूर चेक करना। अब जो हमारा पाँचवा प्रिकॉशन है और लास्ट है वो ये है कि जब भी आप पेज कोई खरीद रहे हो तो उसके ओनर से उस पेज की सारी इन्फॉर्मेशन पूछो। आप यार पैसे लगा रहे हो तो आपका ये हक है कि आप उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, जैसे कि वो पेज कभी बैन तो नहीं होता, शैडो बैन तो नहीं हुआ था, या फिर उस पर कभी फेक लाइक फेक फॉलोअर्स तो नहीं लिए गए थे। मुझे पता है कि ओनर बताएगा नहीं, लेकिन आपका पूछना ये फ़र्ज़ है कि बाद में ओनर आपसे बोले ना कि तुमने मुझसे पूछा नहीं था इस पेज के बारे में, तो आपको सारी चीज़ें उससे पूछनी है। आप जितने क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं उस पेज से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पूछनी है उस ओनर से, ताकि उसको भी लगे कि हाँ ये बंदा सीरियस है और ये सीरियसली बिजनेस करना चाहता है, ऐसे नहीं कि आप पैसे फेंक के यार पेज खरीद लिए और फिर बाद में आपके पैसे सारे डूब गए। तो आपको सारी चीज़ें पूछनी है। जब आप दुकान पे जाते हो, एक बाल्टी खरीदने जाते हो तो 100 तरीके की बाल्टी देखते हो कि कौन सी अच्छी है, कौन सी वैल्यू वर्थ करती है, तो आपको यहाँ पे भी ओनर से सारी चीज़ें लेनी है उस पेज के बारे में और उसके बाद ही उस पेज को खरीदना है। तो अगर आप एक इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हो यार तो आराम से करो, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखना कि इस बिजनेस में आपका जो रिस्क है वो हाई है, मतलब आप रिस्क में हो, आपका पैसा रिस्क में है, आपको उसको सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखना। और जो फॉरेन में है वहाँ पे तो ये पेज फ्लिपिंग का बिजनेस बहुत ही लार्ज स्केल में होता है, अपने इंडिया में उतना नहीं, तो आपके लिए थोड़ा कंपटीशन भी कम रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इससे काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो आप, मतलब आप सोच भी नहीं सकते 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ अर्न कर सकते हो अगर आप एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाते हो तो। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है और काफ़ी इजी बिजनेस है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इस बिजनेस के बारे में। कोई भी बिजनेस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप उस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो बेसिक नॉलेज आपको हर बिजनेस की होनी चाहिए जो आप शुरू करना चाहते हो, तो आप आराम से शुरू करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से काम करना। यार ये थे हमारा वीडियो इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग के बारे में। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम पेज फ्लिपिंग क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है ताकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहे, और कमेंट करके आपको बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, या फिर अगर आपके मन में कोई भी डाउट अभी भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। और बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी कुछ सीख सकें और वो भी पैसे अर्न कर सकें। तो मैं मिलता हूँ आपको एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड बाय।